दोस्तों होम ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे घर में एक नए मेहमान जो ये ब्लैक कलर व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में है। इसी जस्ट 25 डेज ओल्ड और ये देहरादून से हमारे एडॉप्ट करके हम लाए हैं। और ये दूसरे जो डॉग कलर में है वो है गोल्डी और ये भी तकरीबन 125 की है। और इसे हमने मैक्रोगंज हिमाचल से अडॉप्ट किया था तिब्बतन नेस्टेड ट्रस्ट की ओर से। वो दोनों फीमेल डॉगीज हैं और ये दोनों का जो आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं ये दोनों फीमेल्स हैं। तो ये कहते हैं जितनी फीमेल्स हैं बहुत ही समझदार और बहुत ही मदरहुड इनके अंदर भरा होता है और ये माँ और बच्चे की तरह एक दूसरे को हमारी गोल्डी जो है ना एक अच्छी मदद साबित होने वाली है। ये दिखने से ही पता चल रहा है क्योंकि सिर्फ 3-4 दिन पूर्व से ये एक दूसरे को मिले हैं और इन दोनों के बीच में जो प्यार पनप रहा है और एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं लगातार नहीं दिखा सकता बट आप ये जब देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इनके अंदर कितनी वफादारी कितना प्यार और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहती है। हमारी ये सिम्बा जो है ना वो उसके साथ इतनी मिलनसार हो चुकी है। हालांकि ये गड्डी नस्ल जो हर्षिल उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं से है और ये गोल्डी भूटिया गोल्डी नॉट भूटिया क्योंकि वो भूटिया नस्ल की दो है। बिकॉज हमारे पास एक और भी डॉगी है जिसका वो तकरीबन 9 साल का वो भी है। तो अगर आप पेट घर में पालते हैं तो आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसकी वजह यह है कि घर में सारी आप कहीं से घूम फिर के आते हैं कहीं से भी आते हैं कि किसी भी बिजनेस में लाइफ में सारे अप्स एंड डाउन्स तो इनको देखने के बाद सब भूल जाते हैं और आपका मन प्रसन्न रहता है। सीधे सीधे कहें तो आपके जिस अगर आप खुश हैं तो और आप खुशी खुशी अगर इनके साथ समय बिताते हैं तो आपका मन हल्का रहता है। आपने सुना होगा कि जापान के अंदर लोग अकेलापन महसूस करते हैं लेकिन भारतवर्ष में अकेले रहने की हम कितनी फ्रीडम वाली जगह में रह रहे हैं जहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा बिना पे किए हुए आप सारी चीज़ अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और अपने आप को खुश रख सकते हैं। सीधा सीधा बोलूं तो आपके हॉस्पिटल के ये जो लूट खसूट मची हुई है ये इंश्योरेंस वो दे दो ये दे दो इन सब से आप बड़े आराम से बच सकते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले के पास जो है ना सिर्फ पैसे कमाने की ललक होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाओं की थोड़ी बहुत जो है ना वो कमी होती है जिस वजह से लोग हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना
नहीं चाहते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम ये कहेंगे कि अपने नीचे लेवल के स्टाफ्स को थोड़ा सुदृढ़ करें सो दैट कि लोगों का मूवमेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की ओर जाए और लोगों का सही इलाज जो इतने समर्पित डॉक्टर्स हैं और भारत सरकार जी इतने समर्पण के भाव से ही है जो अभियान चला रहे हैं उन सब में आपका सहयोग प्राप्त हो। मेरा ये मैसेज ये है कि हमें खुश रहना है तो जो भी आपसे बन पड़े कीजिए लेकिन खुश रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए भारत माता के लिए वंदे मातरम जय माता जी हर हर महादेव। और दोस्तों ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो और व्यूज शेयर्स ये सारी चीज़ आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों आपका शुभ अति अपेक्षित है। जय माता दी हर हर महादेव भारत माता की जय वंदे मातरम जय भारत जय भारत।